So hey, what is up guys, welcome back to another gameplay video. Swagat aap sabhi ka Rent Simulator ki ek aur brand new gameplay video mein. And yaar last episode mein nahi, usse pehle matlab 2-4 episode pehle mere apne paas ek bhai ka comment aaya tha ki yaar jo andar se jo factory banayi hai na humne, isko yahan pe windows ya fir wall lagane ki jagah, windows ya fir gate lagane ki jagah short wall lagani chahiye. To yaar ye cheez mere ko bhi kafi zyada badhiya lagi. And baki main tumhe ek bar dikha deta hu bhai yahan ka hal kya chal raha hai. To yaar ye dekho tum log, matlab itne sare chote chote cows yahan pe aa chuke hain bhai, apne cow wagera jo bhai ekdam badhiya tarike se khana peena kha rahe hain ekdam theek hai. Baki mere yaar inka milk wagera bhi nikala hai, to time milega jab main kar lunga sare kaam. And baki filhal yaar tum log yahan pe dekho, main tum kya bata raha tha, jo yahan pe gate and jo jitne bhi walls wagera na, मतलब गेट और जितनी विंडोज़ हैं उनको हटा करके मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं लगा देता हूँ शॉर्ट वॉल्स. तो शॉर्ट वॉल्स में तो मैं दिखाता हूँ भाई कैसे लगेगी. एंड उसी के साथ थोड़ा सा ना अपग्रेड कर देते हैं हम इसको. देखो इस टाइप में ये सारी शॉर्ट वॉल्स रख देंगे ऐसे, तो इससे क्या होगा ना अपना एक तो ये भी अपग्रेड मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा जो अपना फार्म है ना भाई, ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा. एंड भाई देखने में लिटरली में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा. मतलब हमारे पास इतना एरिया होगा यहाँ पे अपने वो सारे करने के लिए, काम वाम करने के लिए, जो प्रोडक्शन वगैरह सब करने के लिए भाई इतना देखो यार काफ़ी है भाई. हमें बस चलना वलना है इस साइड उस साइड. एंड यहाँ पे हम लोग कैन वगैरह रखा करेंगे, तो यहाँ से उठा करके यहाँ पे सीधा हम लोग बहुत आराम से काम कर सकते हैं, समझ गए तुम लोग. ठीक है, बाकी मैं तुम्हें और दिखाता हूँ भाई ये चीज़ सेम आगे तक जाएगी. तो उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा ना भाई, सबसे पहले मेरे को भाई इस पूरे कम्प्लीट करना पड़ेगा. यार कम्प्लीट भी नहीं तो मैं काम कर सकता हूँ एक, कि इन सबको यहाँ तक तो एटलीस्ट ये तो देखो करना ही पड़ेगा मेरे को, ये वाला तो भाई करना ही पड़ेगा, इसका करे बिना यहाँ पर काम नहीं हो सकता. ठीक है, बाकी फिलहाल तो यार मैं इधर पे फटाफट से मैंने सारे में लगा देता हूँ. उसके बाद जो अपना ट्रेलर है ना उसको मैं फटाफट से यहाँ पे भगा करके लेके आता हूँ, ताकि भाई सारा काम हम फटाफट से कर पाएँ. एंड बाकी ये रहेगा कुछ यहाँ तक. एंड देन फिर यहाँ पे तो अपना वैसे गेट आना था, बट यार यहाँ पर गेट तो हम नहीं लगा सकते हैं, तो इसका देखता हूँ भाई कुछ ना कुछ करूँगा मैं. बट फिलहाल ना फटाफट से पहले लगा इसको कम्प्लीट करता हूँ, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखेंगे. एंड बाकी भाई हमारी कार जो थी वो एक कहाँ गायब हो गई, पता नहीं भाई वो कहाँ चली गई. तो अपने SUV ले आते हैं हम लोग. एंड बाकी मेरे को अपना पिकअप भी ढूंढना पड़ेगा यार, वो मैं लेके तो आया. अच्छा वो खड़ा, देखो पिकअप तो अपना. एंड कार भी भाई अपनी इधर उधर होएगी कहीं ना कहीं, देखनी पड़ेगी वो एक्चुअल में कहाँ पड़ी है. भाई मेरे को आइडिया नहीं यार कहाँ पर छोड़ दिया था मैंने उसको लास्ट टाइम. ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, मैं इसको कार को SUV को फटाफट से यहाँ पर अटैच करता हूँ. एंड जल्दी से उसको लेकर के चलते हैं हम लोग सीधा भाई यहाँ पे इस वाली साइड पे, ताकि इसको कंप्लीट कर पाएँ फटाफट से. एंड उसके बाद भाई आगे का काम भी हमें करना है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार आज की वीडियो में. तुम लोग फटाफट से आगे सब्सक्राइब कर दो भाई, नहीं कराए तो अब तक. ठीक है, 20K भाई जस्ट होने ही वाले हैं, जिसने भी नहीं कराना भाई फटाफट से कर दो भाई. 20K में बहुत तगड़ी चीज़ आएगी, मतलब मज़ा आ जाएगा भाई 20K में तुम लोगों को ना. तो फटाफट से कर दो भाई जिसने भी नहीं करा अब तक. एंड बाकी फिलहाल मैं फटाफट से ना भाई इनको यहाँ पर लगाता हूँ, देन उसके बाद बाकी काम करेंगे हम लोग. तो यार ये तो बड़ा इजी काम है, मतलब 2 मिनट लगते हैं भाई बस करने में ना ये. मैं प्लैंक्स उठाओ फटाफट से. एंड अरे यार इसको मेरे को इस वाली व्यू में आना पड़ेगा, ताकि थोड़ा और फटाफट से काम हो सके. एंड मैं प्लैंक्स वगैरह आराम से थोड़ा और जल्दी उठा पाऊँ. एंड तो ये लो, ठीक है, ये सारा मैंने यहाँ पे बिल्ड कर दिया. एंड अब मैं भाई आगे वाली वॉल लगाने से पहले ना भाई पहले फटाफट से ना सारा अंदर कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि फिर जब मैं बाहर की वॉल लगाऊँ तो भाई वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाए आराम से. मतलब मेरे को फिर अंदर वॉल करने के लिए स्पेशली ना आना पड़े, ठीक है ना. एंड ये वाला एरिया अपना यहाँ पर बंद ही रहेगा, तो इसको भाई ऐसे ही रहने देते हैं. एंड बाकी यार यहाँ के लिए मैं तुम्हें क्या बता रहा था, यहाँ देखो मैं पता क्या सोच रहा हूँ क्या करने के लिए. यहाँ तो सबसे पहले देखो ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर फिर भाई शॉर्ट वॉल ही लगा देता हूँ. ठीक है भाई, शॉर्ट वॉल ही बेस्ट रहेगी यहाँ पे, क्योंकि उसके अलावा हम लोग कुछ और कर नहीं सकते यहाँ पे फिलहाल के लिए. तो ठीक है, फटाफट से मैं यहाँ पे शॉर्ट वॉल लगाया था, जो कि भाई कंप्लीट हो चुकी है. एंड भाई इसका बाहर से भी कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी से अब. ठीक है, मैं नॉर्मल व्यू में आता हूँ अपने भाई, बहुत हो गया वाला व्यू अजीब से लग रहा था काफ़ी उसमें अब. ठीक है, फटाफट से इसको लगाते हैं, देन उसके बाद उस साइड लेके चलेंगे, ताकि भाई आगे वाला काम भी हम लोग जल्दी से कर पाएँ. अब देखो भाई इनमें ना साइड्स के काम ना बहुत आराम से देंगे, क्योंकि उनमें सिर्फ सिर्फ 8-8 प्लैंक्स लगते हैं, लेकिन जो मेन होता है ना भाई इन वॉल्स वगैरह में फाउंडेशन वगैरह में, इनमें भाई अपने 6-6 प्लैंक्स लग जाते हैं भाई, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है हमको. अरे भाई पैसे नहीं है भाई अपने पास, ओ भाई पैसे भी करने पड़ेंगे मेरे को. तो भाई प्रोडक्शन आज के आज भाई काफ़ी सारी करनी पड़ेगी, अगर प्रोडक्शन नहीं करी तो भाई यहाँ पर दिक्कत आ सकती है काफ़ी बड़ी. तो भाई फटाफट से पहले मेन दिक्कत तो ये है कि भाई इसको यहाँ से निकालना है मेरे को, जो कि भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है. तो मैं फटाफट से यहाँ पे निकालता हूँ इसको फटाफट से आराम से बिल्कुल बिना ठोके. ओ ये भाई आराम से निकाल दिया. ठीक है, अब मेरे को यहाँ से उठाने हैं भाई प्लैंक्स, एंड मेरे को इनको बनाते हुए चलना है यहाँ से पूरा आगे तक. एंड लेट्स सी भाई यहाँ पे कितने यूज़ होने वाले हैं अपने. एंड भाई मैं सोच रहा हूँ फिलहाल पहले अंदर का करते हैं कवर, जिससे कि मेरी काउज वगैरह बाहर ना निकल पाए, उसके बाद हम लोग जो है वो बाहर का मतलब वो वाला बाहर वाली वॉल वगैरह देख लेंगे.
ठीक है। सबसे पहले भाई मैं इंटीरियर वगैरह करता हूँ ताकि सारी चीज़ सेटअप हो जाए बढ़िया से, एंड अपनी कार्स वगैरह थोड़ा और बड़े एरिया में घूम पाए, उसके बाद हम लोग बाहर का देखेंगे। तो फटाफट से पहले भाई ये कम्प्लीट करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। हाँ ठीक है, अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मैं फटाफट से तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है ना भाई, थोड़ी थोड़ी सी और एक्सपैंड होएगी आगे साइड में, यानी जब मैं इन सारी चीज़ों को तोड़ूंगा ना, तो ये ना अपनी यहाँ तक आ जाएगी, जो कि आएगी तो यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को शॉर्ट वॉल लगानी है, तो मैं फटाफट से, मेरे को 1 सेकंड दो तुम लोग बस। तो इसको मैं हटा करके ना यहाँ पे शॉर्ट वॉल लगा देता हूँ फटाफट से। तो इधर से भी हटाना पड़ेगा भाई मेरे को इन्हें, और ऑल राइट यहाँ तक मैंने हटा दिया इन्हें। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लगानी है शॉर्ट वॉल्स। तो फटाफट से मैं यहाँ पे पहले शॉर्ट वॉल्स लगा देता हूँ। तो ये ऐसे करके मैं यहाँ पे शॉर्ट वॉल्स लगानी है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, एंड इसको मैं देन कनेक्ट कर देना है यहाँ से। एंड सेम चीज़ मेरे को कर देनी है भाई यहाँ पर, ठीक है। अरे यहाँ यहाँ पे यहाँ रखा है, कोई नहीं। तो इसको फटाफट से मैंने यहाँ पे लगाया था सारों को, ठीक है। इस लास्ट वाले को मेरे को लगाना है कुछ यहाँ पे ऐसे। भाई ये मेरे को सही में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, एंड ये पूरा बनने के बाद तो भाई और ज़्यादा तगड़ा लगने वाला है, क्योंकि भाई बहुत सही लुक आएगा भाई पूरा कंप्लीट होने के बाद। तुम लोग देख रहे हो बस अभी, ठीक है। बाकी फाइनल बस है अपना, तो इसको फटाफट से मैं ले जा करके लगा देता हूँ, एंड उसके बाद देखते हैं भाई पूरा का पूरा लुक कैसा लगेगा भाई पूरा देखने में। एंड या फटाफट से भाई इसको मैं फिलहाल यहाँ पे छोड़ देता हूँ, एंड जल्दी चलते हैं आगे की साइड में। एंड भाई सारी चीज़ों को तोड़ के देखते हैं भाई कुछ गड़बड़ ना हो बस, यार यही प्रे कर रहा हूँ मैं तो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी। अरे गलत 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 गलत, नहीं 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 भाई पहली दीवार तोड़ी भाई, भाई गलत तोड़ दी। लो भाई गया 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 खत्म। भाई 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 हटो यार तुम लोग 2 मिनट के लिए। भाई यार भाई हद कर दिया भाई, मतलब पहली वॉल तोड़ी है भाई वो ही गलत तोड़ दी भाई। देख रहे भाई तुम लोग, मतलब देख रहे भाई क्या बकवास चल रही है भाई यहाँ पे, यार हद है भाई साहब। तो मेरे को ना इनको फटाफट से यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि ना ये बाहर की तरफ ना। अच्छा हाँ डन, अब परफेक्ट हो गया। एंड भाई इनको पकड़ के लाना पड़ेगा मेन, तो अंदर जल्दी अंदर आ, भाग के जा रहा है भाई, पता नहीं बाहर क्या मिलता है इन्हें। फटाफट से अंदर आधा पिट जाओगे नहीं तो, जल्दी से। हाँ यस डन, ठीक है। अब मेरे को ना भाई इसको यहाँ पे खोलना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्ट हो जाए उस साइड से, एंड थोड़ा इस साइड की तरफ आ जाए, ताकि मैं भाई वहाँ पे जाकर भी फटाफट से वॉल लगा पाऊँ। एंड वॉल लगाने के बाद भाई वो वाले एरिया को बंद कर पाऊँ फटाफट से, नहीं वो चीज़ें होती रहेगी बाद में, ठीक है। अब उनको कहीं और जाना तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ भाई, इस वाले एरिया के अंदर घुसता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस एरिया के अंदर घुसने के लिए भाई जगह, अरे भाई फंसा दिया मैं, शिट। नहीं 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 ये मेरे को, ये भाई ये तोड़नी पड़ेगी मेरे को, अगर मैंने ये तोड़ दी पड़ी बाहर भाग देंगे भाई सारे सारे, भाई सारे स्कैम मेरे साथ ही होते हैं भाई यार, ये क्या बताऊँ मैं। लो भाई भाग गए, कहा था ना बाहर भागेंगे। एंड इसको मेरे को उठा करके भाई लगाना पड़ेगा कुछ यहाँ पे ऐसे करके। एंड भाई बट वो वहाँ से खुला पड़ा है, नहीं वो भाई इनसे पहले भागना पड़ेगा मेरे को। यार क्या कर रहा हूँ भाई मैं, इतनी गड़बड़। ठीक है यहाँ पे लगानी है मेरे को वॉल एक, फटाफट से इसको हटाता हूँ। एंड यस डन डन डन, भाई क्या गड़बड़ मचा रहा हूँ भाई मैं, बिल्कुल आज ना भाई पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में यहाँ पे। ठीक है भाई फटाफट से मैंने इसको वाले, अच्छा हाँ चलो अब तो सारी सारी अंदर चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को क्या करके भाई सारी चीज़ें तोड़ देनी है यहाँ से, ताकि भाई अपनी काउज वगैरह मज़े से घूम पाए भाई पूरे एरिया में। मतलब देखो उनको आना था यहाँ पे, बट वो चली गई किसी और साइड में, तो कोई नहीं भाई फटाफट से सारे को हटाता हूँ मैं। एंड पूरे को भाई ओपन बना देते हैं हम लोग एकदम बढ़िया से, ताकि वो देखने में भाई तगड़ा लगे काफ़ी ज़्यादा। एंड हाँ ये वाला तोड़ना है मेरे को, नहीं तोड़ने में मैं चेक कर लेता हूँ भाई, ये तो तोड़ सकता हूँ, ठीक है इसको तोड़ते हैं भाई फटाफट से सारों को। एंड अब तुम लोग स्पेसिंग देख लो भाई, मतलब इतनी ज़बरदस्त स्पेसिंग हो गई ना भाई, तुम भी यार क्या बताओ यार, कितना तगड़ा लग रहा है भाई पूरा पूरा देखने में। मतलब अब देखो कोई तो भाई, अपने एक भाई भी कह रहे थे शायद से कि यार जो अपनी काउस है ना उनको मतलब ग्लिच वगैरह कर जाती है वो, अगर हम लोग उन्हें कस्टम बांध में रखते हैं। लेकिन अब देख लो भाई, अब तो कितना तगड़ा होगा, मतलब स्पेस ही स्पेस है भाई, मतलब कितना स्पेस चाहिए और इतना ज़्यादा स्पेस मिल गया अब तो। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया यार, तुम लोग खुद देख लो। बाकी फिलहाल ये लास्ट बच रहा है, इसको मैं फटाफट से यहाँ से हटाता हूँ। एंड देन यार डन, ये सारा डन हो गया एकदम। एंड बाकी मेरे को यार इनको ना यहाँ से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ये यार यहाँ पे ना रहे, एंड ये सारी सारी वापस से वहाँ चली जाए। तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा फटाफट से, सबसे पहले ना इस वाली काव को यहाँ पर ला करके मेरे को यहाँ पे एक वॉल खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि सबसे पहले तो भाई सारी सारे को मैं एक साइड में ट्रैप कर पाऊँ। तुम लोग समझ पा रहे होगे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट रुको मैं तुम्हें भाई दिखाई देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे करा, ठीक है, वहाँ पे देखो 3 काव जा रखी है, तो जैसे देखो ये 3ों काव यहाँ पे आ रही है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वॉल लगा दूंगा जिससे कि भाई इनकी जो लिमिट है ना वो हट जाएगी, मतलब वो और आगे नहीं जा पाएंगे ये, ठीक है। जहाँ तक ही जाती है वहाँ तक लगा दूंगा वॉल में ले जा करके। जैसे देखो भाई ये तो, भाई ये तो बढ़िया जगह आ गए भाई एकदम, भाई ये तो एंड पे ही आ गए एकदम भाई, बहुत सही। लग जा बस, लग जा लग जा लग जा, नहीं लग जा भाई हद होती है भाई। ये ले
फिर आउट से अभी वापस अंदर आ जाएगी ना, तो एक वॉल में यहाँ पे लगाता हूँ ताकि जैसे ही अंदर की साइड आ जाए, एक वॉल में यहाँ पे भी लगाता हूँ फटाफट से। लगने वाली थी भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इस वाली काउ को मैं बुलाता हूँ थोड़ा आगे की साइड में, जैसे देख लो इसको मैंने यहाँ बुला लिया। इस वॉल को मैं कर देता हूँ यहाँ से बंद, एंड अब मेरे को यहाँ पे वॉल लगानी है, बस ये काफ और ये काफ हट जाए यहाँ से। उसके बाद मेरे को यहाँ पे वॉल लगानी है, एंड देन जैसी सारी सारी बाहर की साइड चली जाएंगी ना, बस अपना काम बन जाएगा। एंड मैं फटाफट से भाई यहाँ पे इनको उठा लेता हूँ हाथ पे। डन भाई, अरे वॉल लगानी थी मेरे को यार। ये भाई 2 सेकंड का वेट क्यों नहीं कर लेते भाई, ये इनको एक ही बार में आने का सबको। ओ तू इधर आ पागल से, इधर आ फटाफट, तू भी इधर आ फटाफट, बदतमीज़ कहीं के भाई। आ जाओ यार 2 मिनट के लिए, तुम क्यों बदतमीजी कर रहे हो भाई इतनी। यस 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 यस, जल्दी 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 जल्दी, हट जा हट जा, अरे हट जा। आ यार भाई हो गया था ऑलमोस्ट भाई, क्या बताऊँ भाई भाई निकाल। ठीक है तू 2 मिनट भाई यहाँ पे फ्रीज होने के लिए निकाल, मैंने तुम लोगों तुम्हें आना है जाना है इधर उधर कर लो, बट फ्रीज मत हो बार बार यहाँ पे, समझ गए। तू भी फटाफट इधर आ जा फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। एंड ये लो गाइस, फाइनली सारा सारा काम जो कंप्लीट हो गया है, मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ बट हाँ मैं कह सकता हूँ भाई जो काम मैंने बिगाड़ दिया था वो सही हो चुका है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ भाई यहाँ का, एक बार पूरा बढ़िया से। तो 1 मिनट दो मेरे को यहाँ पे तुम लोग। एंड भाई अपना बान हाउस जो है वो उस साइड से खुल गया, मतलब उसको बंद करना पड़ेगा, वो चीज़ मैं कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चलो फटाफट चलो यहाँ पे लाकर ब्लू प्रिंट लगाया था मैं पूरे को, ताकि भाई एक टाइप से बंद दिखे देखने में, तो कम से कम हुआ नहीं है वो बात अलग है बट देखने में तो लगना चाहिए ना भाई। ठीक है, तो फटाफट से भाई एक बार मैं इसको ब्लू प्रिंट लगाया था पूरे में, ताकि लुक वगैरह बढ़िया आ जाए एकदम। एंड बाकी इसको फटाफट से थोड़ा सा आगे साइड में करता हूँ मैं, ताकि जल्दी से लगा पाऊँ मैं सारे सारे प्लैंक्स जितने भी यहाँ पे ब्लू प्रिंट्स हैं उनको। एंड ही फाइनल लगा दिया मैंने यहाँ पर। एंड बाकी थोड़ी सी दिक्कत भाई यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अपना ब्लू प्रिंट लग नहीं पा रहा है किसी रीज़न की वजह से। एंड भाई पता नहीं भाई क्या ग्लिच है इनका यार, मतलब कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एरिया खुला रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करूँगा मैं यहाँ पर ना गेट लगा दूँगा, तो एक बार मैं इसको मेरे को बंद तो देखो करना ही है, तो यहाँ पर एक गेट लगा के मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ ऐसे करके। एंड देन फिर एक पार्टीशन आ जाएगा अपना यहाँ पे, तो ये वाला एरिया यहाँ पे बंद हो जाएगा एक टाइप से, तुम लोग मान के चलो। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे लगानी भाई वॉल्स ढेर सारी। एंड मैं काम करता हूँ बाहर साइड चला जाता हूँ, एंड बाहर जा करके वॉल फटाफट से लगाता हूँ पूरे में, ताकि मेरे को ये बंद भी कर लेना भाई पूरा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ऊपर भाई फ्लोरिंग भी कर देनी है, जल्दी से फ्लोरिंग भी कर देता हूँ, ताकि भाई ये पूरा पूरा एरिया जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बंद हो जाए। एंड या बस मेरे को इतना ही करना था यहाँ पर। एंड बाकी मेरे को उस साइड में फ्लोरिंग कर देनी चाहिए आई गेस, हाँ ठीक है इधर भी कर ही देता हूँ यार जब हो ही रखी है तो। ठीक है गाइस, अब मैं कह सकता हूँ भाई ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। एंड भाई तुम लोग स्पेसिंग देख ही सकते हो इनको, कितनी ज़्यादा स्पेसिंग मिल गई है। एंड बाकी मैं चाहूँ तो यार नीचे वाले इस प्लेटफॉर्म को हटा सकता हूँ, बट मैं हटा इसलिए नहीं रहा क्योंकि यार थोड़ा सही लग रहा है देखने में, या फिर एक बार हटा के देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो भाई देख ही जाएगी, बट एक बार हटा के देखते हैं। बट उससे पहले चल के भाई भाई केक को सेव कर लेते हैं भाई, अगर कुछ दिक्कत होगी अगर तो भाई मैं नहीं चाहता इतना बड़ा रिस्क उठा रहा। तो फटाफट जाकर भाई फटाफट से एक बार जल्दी से, 2 मिनट लगेगी मेरे को, मैं जल्दी जाके पहले गेम को सेव कर देता हूँ, उसके बाद भाई आगे काम कर लेंगे हम लोग। तो ऑल राइट, तो यार मैंने यहाँ पे गेम सेव कर दिया है। एंड अब फटाफट चल कर चेक करते हैं भाई यहाँ पे कुछ और दिक्कत वगैरह तो नहीं होगी ना। एंड बाकी मैं सोच रहा हूँ भाई अपने इसकी ना डिज़ाइन वगैरह थोड़ी चेंज करी जाए, एंड जो अपनी प्रोडक्शन है ना भाई उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दी जाए। तो मतलब कुछ ऐसा करूँ क्या गाइज़ मैं, ये चीज़ में तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर बता दो, अगर ऐसा कुछ करना चाहिए तो यार जल्दी बताओ भाई। यार ये पता नहीं कहाँ घूम रही है, घूमती रहेगी, छोड़ो इसको तो मैं बाद में देखूँगा। ठीक है, अरे इसको ले ही चलता हूँ भाई अंदर, नहीं तो यार ये यहाँ पे दिक्कत कर देगी बाद में। जल्दी से आधा फटाफट, ठीक है तेले बैठा नहीं रहूँगा मैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब मैं एक बार अगर ये हटा के देख रहे हैं, ओह यस कुछ नहीं हो रहा, कोई गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, अब मैं इनको फटाफट सबको हटा ही देता हूँ, क्योंकि भाई सही नहीं है यार इनके लिए, ये नीचे अपने नॉर्मल लैंड पर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अभी तो फिलहाल स्नो है, बट यार जैसे ही धूप निकल जाएगी ना दोपहर के टाइम पर भाई यहाँ पर वापस से स्नो वनो हट जाती है धूप के जैसे, जो कि भाई वो और काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है। एंड बाकी गर्मी में तुम्हें पता ही है भाई यहाँ पर कितनी ज़्यादा ग्रास हो जाती है, तो सारी चीज़ें भाई एकदम सॉर्टेड है, एकदम बढ़िया है। बस मेरे को क्या करना है कि भाई इनको फटाफट से यहाँ से हटा देना है, ताकि भाई एरिया एक्चुअल में बड़ा लगे देखने में भी, तुम लोग समझ रहे हो ना मतलब। हाँ ठीक है, बाकी फिलहाल यार प्रोडक्शन भी हमको करनी है, तो भाई मिल्क वगैरह भी निकालना पड़ेगा, तो भाई सारी मशीन्स को यहाँ पे काम पे लगा दूँ अपनी। एंड बाकी मेरे को देखना पड़ेगा भाई अपने पास जेरी कैंस कितने हैं, तो वो जेरी कैंस वगैरह भी भाई अपने अपना कलेक्ट करके लेके आने पड़ेंगे पुराने वाले बार हाउस में से, प्रोडक्शन हाउस में से। और भाई अब देखो भाई तुम लोग, मतलब कोई बाहर से बता सकता है ये अंदर से इतना बड़ा होएगा, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था भाई ये इतना बड़ा हो सकता है ये, बट एक्चुअल में तुम लोग खुद देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक काम करता हूँ भाई, मेरी कार कहाँ पे खड़ी हुई है यार, मैं अपनी कार को उठा करके लेकर जा, अरे भाई इस कार में तो आ नहीं सकता, बट मेरे को वॉल पिकअप लेना पड़ेगा। एंड अपने पास प्रोडक्शन हाउस में आई गेस यार काफ़ी सारे पड़े हुए हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है, बाकी यार मेरे को देखना पड़ेगा जा करके, क्योंकि मेरे को लग रहा है भाई काफ़ी सारे पड़े हुए हैं आई गेस वहाँ पे जेरी कैंस ना,
जेरी कैन नहीं, सॉरी मिल्क कैन, मैं बारह पता नहीं उसको क्यों जेरी कैन कह रहा हूँ। तो यार मिल्क कैन मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, एंड बाकी यार गिफ्ट्स वगैरह मैंने कलेक्ट नहीं करे यहाँ पे, तो मैं वो चेक कर लेता हूँ कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं मिले हैं क्या। और तो नहीं यार फिलहाल तो कोई गिफ्ट वगैरह नहीं मिले मेरे को। तो एक काम करता हूँ मैं फटाफट से मैं लेकर के इसको ना चेक करके आता हूँ कि भाई मेरे पास और कितने सारे मिल्क कैन रखे हुए हैं, एंड उस हिसाब से फिर उनको लेकर चलेंगे सीधा अपने नए वाले बार हाउस में। तो अरे भाई मेरा ठक आ जाता अभी, ठीक है। बाकी मेरे को यार चिकन वगैरह भी लेकर के आनी पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए, तो यार सारी चीज़ें मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मिल्क कैन अपने पास ये रहा, दूसरा मिल्क कैन अपने पास ये रहा, एक तो भाई मिल्क भी है भाई, वाह ठीक है भाई। पता नहीं भाई कितना पुराना है बट है यार देखो, ठीक है ना, यूँ नहीं देखना भाई हमने कितना पुराना है, बस है ना, बस अपना काम हो जाएगा उतने में, ठीक है। बाकी फिलहाल मेरे को सारे सारे मिल्क कैन को यहाँ से लेकर जाना है, एंड मेरे को एक काम और करना पड़ेगा, मेरे को ना यहाँ पे एक कूलर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अगर एक कूलर नहीं मिलता तब भी मेरा काम बन जाएगा। तो फटाफट से भाई फिलहाल तो मैं इनको लेकर चलता हूँ। कूलर में तो क्या कर रहा था भाई, मेरे को जितने भी चीज़ कैन से ना, जितने भी क्या कहते हैं भाई इनको यार, मोल्ड, चीज़ मोल्ड थे, ये सारे सारे मैं कूलर में डाल सकता था, बट कोई नहीं अभी फिलहाल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी ऐसे ही लेकर चलता हूँ इनको। एंड भाई और कोई जेरी कैन वगैरह तो नहीं पड़ा था ना, जेरी कैन फिर जेरी कैन कह रहा हूँ यार, और कोई गैस, अबे भाई और कोई मिल्क कैन तो नहीं पड़ा ना, तो यार और कोई नहीं है यहाँ पर। फटाफट से इनको ही लेकर चलता हूँ मैं यहाँ पर, इसको करता हूँ यहाँ से ओपन, इसको रख देता हूँ फटाफट से, एक करके यहाँ पर दूसरा वाला आ जाएगा, यहाँ पर तीसरा वाला आ जाएगा, यहाँ पर चौथा वाला आ जाएगा। भाई मैं तो भाई मिल्कमैन बन गया भाई, चलो भाई सबके घर पे देता हूँ चलूँगा एक एक करके भाई। चलो भाई फटाफट से नया बिजनेस मिल गया गाइस हमको, यहाँ पे सबके घर पे घंटियाँ बजाता हो जाऊँगा भाई, दूध आ गया दूध ले लो, ठीक है भाई ठीक है, कर लेंगे यार ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिलहाल मैं फटाफट से सबको रखता हूँ यहाँ पर, एंड यार एक और बच रहा है इसको फटाफट से रख लेता हूँ, ठीक है। सारा सारा कंप्लीट हो चुका है, इसको करता हूँ यहाँ से बंद, नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको लेकर चलते हैं सीधा। मैं सोच रहा हूँ भाई बैक साइड से लेकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग डायरेक्टली अंदर साइड जा सकते हैं, क्योंकि अंदर से भाई पीछे से मतलब पूरा कंप्लीट करा नहीं है मैंने अभी तक, तो या ईजी रहेगा काफ़ी एंटर कर। ओ ये वाले पेड़ ने इन्विजिबल कर दिया, मतलब टकरा नहीं सकते इनसे हम लोग, इन्विजिबल तो नहीं करें। हाँ बस ठीक है, यस भाई ये चीज़ देख रहे हो तुम लोग, मतलब कुछ भी चीज़ लेकर आनी है मतलब सीधा का सीधा अंदर आ सकते हैं, लेकर आ सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गया। एंड इस मिल्क कैन को रखते हैं अंदर, इस खाली वाले मिल्क कैन को रखते हैं अंदर, इस खाली वाले मिल्क कैन को रखते हैं अंदर, तीन चार मिल्क कैन हम एक बार में रख सकते हैं अंदर साइड में, तो इनको भी रख देता हूँ मैं अंदर। एंड बाकी एक चीज़ दिक्कत होगी भाई हमको, अगर जाना पड़ेगा ना तो हमें भाई पूरा घूम करके बाहर की साइड से जाना पड़ेगा, अगर जाना हुआ तो अंदर साइड में, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है भाई यहाँ पे अंदर जाने के लिए, तुम लोग खुद देख ही सकते हो। एंड बाकी मैं चीज़ें भाई डेफिनेटली सोच रहा हूँ भाई मेरे को यहाँ पे चेंजेस करने चाहिए इसके साथ में, ताकि भाई ये और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाए। तो यार वो चीज़ तुम लोग फटाफट से बताओ जाकर के मेरे को, और क्या 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 करना चाहिए अपने बार हाउस में चेंजेस, ताकि भाई और बढ़िया हो सके। एंड बाकी भाई फटाफट से एक एक करके मिल्क वगैरह निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। एक कंप्लीट हो गया, ये दूसरे पे लगा देते हैं हम लोग फटाफट से, एंड बाकी तब तक यार इधर भी लगा ही देता हूँ मैं, ठीक है ना। यस इधर से निकाल कर लगा दिया, यहाँ इधर से जाओ यहाँ लगा दिया, ये भर जाएगा तब हटा देंगे, इसको हटाओ या अरे वो तो भाई बुल था भाई वो, ठीक है भाई कोई बात नहीं, ठीक है इसको भी यहाँ लगा दो। अरे मैं इसको उठा के लिया, छोड़ हट भाई, इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ, इस पर लगाओ, एंड ये फुल हो चुका है पूरा, ठीक है भाई इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ ताकि उठा पाऊँ बाद में, एंड इसको यहाँ पर लगाता हूँ ताकि ये भर पाए, ठीक है। एंड ये भी आई गैस, अरे नहीं अभी ये वाला तो फुल नहीं हुआ, मैं चेक कर लेता हूँ भाई ये वाली काव जो है इसका हो गया या फिर नहीं हुआ अभी, एक मिनट को यार मैं इधर से फटाफट से निकाल लेता हूँ। एंड ये बुल तो नहीं है ना, नहीं इसके पहले लगा हुआ है भाई, वो ठीक है, नहीं इसका नहीं लगा हुआ था, इसका हमने अभी लगाया है। एंड भाई ये वाली मेरे को चेक करनी है, इसका हो गया, इसका इसका भी चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, हाँ इसका भी हो गया। तो ये वाली काउस भाई अपने एकदम डन हो चुके हैं भाई, मेरे को यार नेम टैग लाना पड़ेगा भाई इनके लिए ना, क्योंकि नेम टैग के बिना भाई दिक्कतें हो रही है काफ़ी ज़्यादा। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, एंड बाकी इसको हटा करके भाई इसके पीछे वाले पे लगाता हूँ फटाफट से, ये लो भाई मशीन का वो कहाँ गया भाई अपनी, और इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। एंड इसका भी हटा ले निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से मिल्किंग मशीन का, इधर लगा देता हूँ फटाफट से। एंड बाकी अरे हो गया नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड अपना एक मिल्क कैन यहाँ से उठा लेता हूँ फटाफट से, यहाँ लगा देता हूँ, एंड इसको निकाल करके भाई कहाँ गया नूसुस, हाँ ये रही, इसको लगा देता हूँ भाई यहाँ पर, यहाँ पे काम करती रहेगी अपना। एंड एक मिल्क कैन में और उठा करके लेकर आना है फटाफट से, ये वाली काव बच रही है ना शायद से, एक मिनट रुको यार मैं इसको बताता हूँ, ये ले अच्छा ये हो गई, ठीक है ठीक है। ये वाली बच गई, ये वाली बच गई, ये वाली बच रही, ये भी हो गई, वाह भाई ये तो काम बड़ा बस चल रहा है भाई अपना, बोले तो फास्ट फास्ट हो रहा है,
ठीक है भाई, काफ़ी बढ़िया ये तो। एंड भाई ये वाली वाइट काउ बच रही है, डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, लिखवा के ले लो भाई, ये तो बच रही है। ये लो देखा भाई, तुम्हारा भाई भाई एकदम सही प्रोडक्ट करता है। बाकी वाली काउ भी बच रही है, तो इसको फटाफट से यहाँ पे लेकर के आता हूँ मैं, ताकि इस वाली पे लगा पाए हम। एंड ये ले, अरे हो गया क्या तेरा? ओके ये वाली बच रही है क्या, इसको लेकर के आके ट्राई करते हैं एक बार। तो फटाफट से निकल जा। ये भी हो गया भाई। और कौन बच रहे हैं भाई? या मेरे को नेम टैग की भाई सीरियसली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त में, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, नेम टैग की भाई सीरियसली काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे को। अभी दिख रहा है मेरे को भाई मेरे ढंग। एंड ये लो नहीं हो गया इसका भी। या तो गाइस मेरे को यहाँ पे ना एक चीज़ करनी पड़ेगी, कि मेरे को भाई यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक बांध सेल टाइप का कुछ, मेरे को बनाना पड़ेगा, ताकि भाई उन सबको, इन सबको मैं एक एक करके उसके अंदर रख पाऊँ। या फिर मेरे को कोई और चीज़ करनी पड़ेगी इसी टाइप की, ताकि भाई मैं ना इनको मतलब आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि भाई मेरे को कौन से का मेरे को अगर निकाल लिया हमने, एंड कौन कौन सी काउ जो वो अपनी बच चुकी है यहाँ पर, जैसे तुम लोग देख ही पा रहे हो भाई सारी ऑलमोस्ट हो गई है। ठीक है, अब इसी के साथ भाई जितने भी गैस जरी कैन मिल्क कैन मेरे को यहाँ पे मिले हैं, उन सबको मैं अंदर साइड रख देता हूँ फटाफट से। एंड फटाफट से सारे सारे कलेक्ट भी करके ले आता हूँ। तो ये भाई फुल तो नहीं हुआ, बट हाँ काम चल जाएगा अपना, मतलब इनमें काफ़ी सारी प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रखो यहाँ पे, इसको रख दो यहाँ पे, एंड इस वाले को रख देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ, मतलब ऐसे करके कहीं पे भी रख देता हूँ ना यार, अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं ऐसी। ठीक है, बाकी एक और जरी कैन हमारे पास वो ऑलमोस्ट लोग मार के चलो फुल पड़ा है, रखा हुआ ही है। ठीक है, अब करते हैं भाई हम लोग यहाँ पे अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट, क्योंकि देखो काम तो हमने काफ़ी ज़्यादा कर दिया। भाई हर्ट बने आए थे। अच्छा हाँ, देखो तुम लोग भाई ये मेल्ट होती है भाई, तुम्हें दिख रही होगी, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है ना भाई, मतलब सीरियसली काफ़ी सही लगती है देखने में ये। एंड भाई अब लोग अब हम लोग कर देते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट अपनी। तो ये पहला गया इसके अंदर, ये एक पैकेट्स में ना निकाल करके ऊपर रख ही देता हूँ, ताकि भाई ईजी रहे थोड़ा सा। एंड इसको नीचे उतार लेते हैं, इनको नीचे गिरा लेते हैं हम लोग, ताकि भाई अपने ट्रक को आगे साइड कर पाऊँ थोड़ा सा, एंड यहाँ पे काम करने के लिए भाई थोड़ी स्पेस मिल जाए मेरे को। तो इसको मैंने आगे साइड कर दिया। हाँ अब मेरे पास काफ़ी सारी स्पेस रहेगी, तो मैं इसको बंद करता हूँ एंड इसको कर देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट। भाई पता नहीं क्या स्कैम चल रहा था। तो फटाफट से सबसे पहले ना भाई सब मैं मिल्क डाल देता हूँ, उसके बाद देखते हैं भाई आगे क्या करना है हमको, एंड देखते हैं भाई कितना क्या खाली हो गया। ठीक है, जो जो खाली हो जाएगा ना उसको भाई हम ऊपर रखते चलेंगे। ठीक है, खाली वाले को ऊपर रख देंगे, बाकी जिससे काम चलता रहेगा उसको नीचे रखेंगे अपने पास में। एंड बाकी मेरे को तो लग रहा है भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाली है, बस तुम लोग देखते जाओ, मतलब सीरियसली भाई मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मिल्क अपने पास भाई काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। एंड भाई मतलब बहुत तगड़े लेवल की प्रोडक्शन हो सकती है अभी तो। एंड अच्छा ये ख़त्म हो गया भाई, अब मेरे को लग रहा है थोड़ी कम लेवल की होगी क्योंकि भाई अब खाली होते हुए दिख रहे हैं ना भाई अपने कैंस वगैरह जितने भी अपने पास में। तो ये लो, अच्छा भाई बड़ी जल्दी खाली हो गया ये वाला तो, नहीं है तो सही। अच्छा बट पाँच का हम लोग ही नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एंड बाकी भाई मैं लाइट्स वगैरह ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्शन टाइम चल रहा है एंड भाई लाइट्स की हमें ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। और लाइट्स भाई लगाई मैंने इसलिए ताकि मैं रात को अगर प्रोडक्शन करूँ तो यहाँ पे भाई मेरे को ईजी रहे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए लाइट्स लगाई थी मैंने। एंड भाई लाइट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी लग रही है देखने में। एंड बाकी अंदर साइड वाली भी जला देता हूँ मैं, ताकि भाई काउस वगैरह को भी लाइट वगैरह मिलती रहे यहाँ पर, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हो रहा था ना भाई यहाँ पे लाइट उनको नहीं मिल पा रही थी, बट हाँ मेरे तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट आ रही थी। एंड अब देखो लोग देखो भाई, मतलब पूरा एरिया जो है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है भाई, मैं तो क्या बताऊँ। ठीक है, अब मेरे पास खाली मतलब और फुल बचा हुआ कौन सा बच रहा है? हाँ ये बच रहा है ना, तो इसको फटाफट से ले जाकर रेंट वाले में लगाता हूँ मैं। और ये दो बच रहे थे ना, तो मैंने इनको यहाँ पर लगा दिया। अब लास्ट काम बचता है जो कि है भाई इनमें चीज़ डालना। तो ये तो बन भी गया शायद से, ओ भाई ये तो बन भी गया। एंड मेरे को भाई ई टू ट्रैक प्रोडक्ट करना है, ना कि वो, तो मेरे को यहाँ पे वापस लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब मैं इन सब में डालता हुआ चलता हूँ, एंड सब के सब में डालते हुए चलते हैं, देखते हैं भाई ख़त्म। हाँ ठीक है, मुझे लग रहा था ख़त्म होने वाला है बस। एंड ये मैंने यूज़ कर दिया था यहाँ तक, तो इसको भी फटाफट सीट में भी डाल देता हूँ मैं। एंड मेरे को लग रहा है भाई अपना ये लॉट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को गट फीलिंग आ रही है भाई, तो एक बार देखते हैं भाई कितने का बिकेगा। ईट रिमूव 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 ही आ रहा है इसमें, वहीं सब पे रिमूव आ रहा था अभी तो। ठीक है कोई बात नहीं, बीच में जिस भी बच गया बच जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट वाला बच रहा है, उसमें मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, अगर मैं एक के अंदर पाँचों के पाँचों डाल देता हूँ तो क्या भाई वो पाँचों के पाँचों एक में डल जाएंगे? नहीं, एक में पाँचों के पाँचों नहीं डल रहे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर रास्ते में कोई बच गया हो तो उसमें भाई मैं क्रॉस चेक करता हूँ चलता हूँ, जिसमें बच गया होगा वहीं उसमें डल जाएगा वापस से। ठीक है, अब सब में हो चुका, अब मैं कह सकता हूँ भाई सब में हो चुका है। एंड अब मेरे को इनको वापस ऐसे करके रख देना है, ताकि भाई ये चलना स्टार्ट हो जाए। एंड जब मैं एक बार वापस आऊँगा तो भाई पहले वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा, तो जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहेगी अपनी यहाँ पे। ठीक है,
मैं फटाफट से इन सबको यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये लास्ट बच रहे हैं यहाँ के कुछ लॉट्स, तो ये भी हो गए एंड ये भी कंप्लीट, सारे सारे डन कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अभी मेरे को यहाँ पे एक बार चेक करना है, अरे बाकी मैंने यहाँ पे बना भी तो रखे थे भाई, अच्छे इसमें प्रोडक्ट बच रहे हैं, ठीक है मैंने इसमें से किसी में बना भी रखे थे भाई, मेरे को एक बार चेक करने दो। हाँ देखो देखो कहा था ना मैंने, मतलब इनमें से काफ़ी मैंने बना के भी रख रखे थे। एंड एक काम करता हूँ भाई, इन सब शेल्फ्स को ना खोल के रख देता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरे को थोड़ा सा ईजी रहे यहाँ पे। तो ठीक है देखो यार, सारा सारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो। एंड मैं फटाफट से निकाल करके लगा देता हूँ भाई इनको यहाँ पर, एंड सब में दो दो आ जाएंगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा ये काम अपना। एंड बाकी जब मैं यार किसी थोड़े बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दूंगा ना भाई इस प्रोडक्शन को, तब असली मज़ा आएगा। जब एक एक बार में भाई हम यहाँ पे दो दो तीन तीन लॉट निकाल के लगाने लगेंगे ना भाई, तब तो और तगड़ा मज़ा आने वाला है। बाकी फिलहाल के तो भाई इतना ही हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो जल्दी से इन सारों को लगाता हूँ मैं यहाँ पे। ओके तो ये वाला भी बच रहे हैं, तो इनको फटाफट से मैं जल्दी से लगाता हूँ क्योंकि अभी लास्ट लॉट ही बच गया। तो ये लास्ट लॉट भाई इसी के साथ पूरा पूरा कंप्लीट हो गया अपना यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो भाई सबके अंदर भाई कितने सारे बच रखे हैं हमारे अभी। एंड यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे देख लो, मतलब ये देखो तुम लोग कितने सारे क्लोजेट अपने यहाँ पे, मतलब कितने सारी शेल्स अपने यहाँ पे खाली बच रही हैं अभी तो। एंड बाकी फिलहाल तो भाई मेरे को इसको ना ले जा करके यहाँ पे सबसे आगे वाले में लगा देना है, मतलब दोबारा से स्टार्ट कर देना है जितना भी मिल के भाई, सब मैं डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। एंड देखते हैं भाई, अरे वाह गलती स्टार्ट हो गया मेरे से, तो कोई नहीं, अरे स्टार्ट होने के बाद भी तो डाल सकता हूँ मैं, ये मेरे को पाँच रहे इसमें, ये डाल दिया मैंने। अच्छा हाँ देखा, मतलब डाल स्टार्ट करने के बाद भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ एंड ई टू स्टार्ट कर सकते हैं हम इन लोगों को, मैं पता नहीं क्यों उठा रहा था बार बार। एंड बाकी या सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस वेट करना है इन लास्ट लॉट्स के तैयार होने का यहाँ पर। एंड आई गेस कितना हो गया ये, अच्छा 100 होने वाले हैं बस भाई। तो ये लो भाई पहला, सबसे पहला लॉट अपना यहाँ पर हो चुका। एंड भाई ये 68 हुए हैं। एंड बाकी भाई एक बार अपनी काउस की नज़र मार लेते हैं हम लोग, तो भाई देखो यार यहाँ पे सारी सारी यहाँ पे सो चुकी हैं, एंड जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है रात को। तो ठीक है अपना लॉट भी तैयार हो चुका है आई गेस, हाँ ठीक है लॉट अपना तैयार हो चुका पूरा पूरा। एंड इसी के साथ भी अपनी जो पहली शेल्फ है वो पूरी पूरी फुल हो चुकी है, तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार अभी तो फ्यूचर में। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई अभी तक नहीं करा है तो, ठीक है। एंड फटाफट से मैं तुम्हें एक बार बाहर से भी जाकर के व्यू दिखाता हूँ इस वाले एरिया का, कुछ भाई ऐसा लग रहा है देखने में। एंड लिटरली बताऊँ ना भाई, लिटरली में मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है भाई देखने में। तुम लोग एक बार देखो, मतलब यहाँ से देखो एंड यहाँ से देखो, मतलब दिन में तो ये भाई और भी ज़्यादा खतरनाक लगेगा, बट फिलहाल तुम लोग देख सकते हो भाई अभी कैसा लग रहा है। तो ठीक है यार फिलहाल मैं सोच रहा हूँ भाई आज की वीडियो इस तरह रखते हैं भाई, तुम अपने बढ़िया बढ़िया सजेशंस देते रहा करो भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी 20K कराओ फटाफट से भाई, बहुत खतरनाक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, तुम लोग भाई हैरान हो जाओगे देख करके, मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो ठीक है यार फिलहाल भाई आज की वीडियो बस इतना ही रखते हैं, और आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई वीडियो कर देना लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स साथ, मिलता हूँ लोगों से और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।